हेलो फ्रेंड, इंडियन मॉम नीता का आप सभी को नमस्कार। तो चलिए आज कुछ पुराने कपड़ों का यूज़ करके वॉल हैंगिंग बनाएंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, कुछ हमारी कुर्ती डली थी और साथ में साड़ी की बची हुई लेस थी जो कि साड़ी ख़राब हो गई थी, तो उससे हमने ये लेस निकाल ली थी। तो इस तरह से हमने वॉल हैंगिंग तैयार की है इनसे। तो ये एक छोटा सा कटा हुआ कपड़ा हमारे पास डला था जिसकी लंबाई ज़्यादा थी और चौड़ाई थोड़ी कम है, तो बस उसको ले लिया है। और साथ में ये देखिए, इस तरह से कार्डबोर्ड पे हमने लेस को इस तरह से चिपका लिया है। तो ये कार्डबोर्ड पर इसी तरह से दो हम चिपका के तैयार कर लेंगे लेस को, जिसके कि ऊपर और नीचे हम लगाएंगे। और साथ में इधर पर हमने लिया है फैब्रिक ग्लू, जिससे कि हम दो तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे, जिसमें कि जो कपड़े हैं तो उसके रेशे वगैरह ना निकलें। तो इस तरह से देखिए, फैब्रिक ग्लू से इधर पर चिपका दिया है। और साथ में इधर पर जब कपड़े अच्छे से फिक्स हो गया था लेस इधर पर, तो बस इसको हम किनारे पर इस तरह से लगा देंगे। दोनों तरफ लगाना है, लेकिन अभी हम नीचे लगाएंगे ऊपर, क्योंकि टांगने के लिए देखिए इधर पर हम ये लगा रहे हैं। तो इसमें इधर पर हमने ग्लू लगा दी है। इसके बाद एक डंडी ली है, देखिए इस तरह से। आप भी कोई सी भी डंडी ले सकते हैं, किसी पेड़ से भी निकाल के इसको ले सकते हैं। हमने उसको थोड़ा सा कलर कर दिया था जिससे कि वो सुंदर लगने लगी है। अब इसके बाद देखिए, हमने जो कार्डबोर्ड चौकोर काटा हुआ है, और आप इसको चाहे तो गोल काट लीजिए या फिर इसको आप ईंट के शेप में काट के किसी भी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। बस उसके ऊपर हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से हमको दो कार्डबोर्ड तैयार करने हैं। तो उसके ऊपर फिर जो लेस थी, तो लेस को कट करके और इसके ऊपर लगा दिया है, जिसके कारण की थोड़ी डिज़ाइन अच्छी लगने लगेगी। तो देखिए, लेस का एक पोर्शन निकाल के इसके ऊपर कट कर के लगा दिया है, और कुछ शीशे वगैरह से इसको डेकोरेट कर देंगे, जिससे कि ये काफ़ी खूबसूरत लगने लगेगा। तो इस तरह से देखिए, जो बचे खुचे कपड़े होते हैं, ये जो कपड़ा था तो हमारी कुर्ती से थोड़ा सा बचा था, जिसका कि हमने इधर पर यूज़ किया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे यहाँ पड़ी होती हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने एक अच्छी सी वॉल हैंगिंग बना के तैयार कर ली है। इधर पर कार्डबोर्ड हमने दोनों बना के तैयार कर लिए थे, बस इनको हमको चिपका देना है। इस तरह फेविकोल से हम इसको चिपका देंगे। आप चाहें तो इसको ग्लूगन से भी लगा सकते हैं। अब इधर पर हम बनाएंगे टैसल। टैसल के लिए हमने कार्डबोर्ड पर ऊन को करीब 20 बार लपेटा था, और बस इस तरह से इसको लपेटने के बाद निकाल देंगे और ऊपर हम ऊन से बांध देंगे। तो इस तरह से हमने दो कलर के टैसल जो हैं तो बनाए हैं। तो देखिए, जो भी पुरानी ऊन पड़ी थी या पुराने कपड़े पड़े थे, उनसे कितनी सुंदर सी वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो गई है। बस इधर पर टैसल में हम इस तरह से फेविकोल लगा के, और जहाँ पर हमने ये लेस लगाई थी कार्डबोर्ड के ऊपर, उसके नीचे पर हम इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से देखिए, एक ग्रीन कलर का और एक मैरून कलर का हम लगाते हुए नीचे पूरे में हम टैसल लगा देंगे। इसके बाद ऊपर भी देखिए, हमने इस तरह से लेस को लगा दिया है, और बस इसमें हम थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा लटकता हुआ सा टैसल जो होगा तो वो हमारा अच्छा लगेगा। तो देखिए, इधर पर दोनों तरफ से हमने लगा दिया, एक वॉल हैंगिंग बन के कितनी सुंदर सी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरी वॉल हैंगिंग हमको किस तरह से बनाना है। इधर पर हमारे पास एक कुर्ती थी जो कि इसका कलर काफ़ी निकल गया था, कैमरे में काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन बिल्कुल ये इसका कलर निकल चुका था। और इधर इसका ऊपर वाला गले का पोर्शन जो था तो काफ़ी सुंदर था, तो बस इसको कट करके हमको निकाल देना है। और बस तीन तरफ से हम इसमें जो फैब्रिक ग्लू थी तो उससे इसको चिपका देंगे इस तरह से, देखिए। तो बस हम छोटी छोटी चीज़ों को यदि देख लेते हैं तो उससे एक सुंदर सी चीज़ बन के तैयार हो जाती है। इसको देखिए, इधर पर हमने फोल्ड कर लिया है। अब ऊन जो था, हम किसी भी कलर का आप ऊन ले लीजिए, और उस कार्डबोर्ड पे इस तरह से आपको लपेटना है। एक के ऊपर एक बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उनको बिल्कुल एक सार आपको लपेटना है। बस इसको लपेटने के बाद नीचे जहाँ पर वी शेप कटा हुआ था, तो उधर पर हमको अब इसको जो हमने कार्डबोर्ड पे उन लपेटा है तो उसको हम इस पर सेट कर देंगे। तो देखिए, बस इधर पर हमने लगा दिया है फेविकोल, और इधर पर आप इस तरह से इसको रख दीजिए कार्डबोर्ड को, और ऊपर से इसको कट कर दीजिए। तो नीचे जो है तो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिए। और उसको निकाल लेना है, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सुंदर सा बन के तैयार हो गया है, और नीचे हम उनको एक सा कट कर देंगे।
बस इसके बाद फिर वही प्रोसेस करना है कि एक डंडी में इस तरह से फेविकोल लगा के कपड़े में और डंडी में इसको फोल्ड कर देंगे और दोनों तरफ से सुतली हम हैंग करने के लिए बांध देंगे। तो देखिए दूसरी भी वॉल हैंगिंग कितने अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए ये हमारी तीसरी है, ये हमारी कुर्ती थी जो कि काफ़ी टाइट हो चुकी थी और इस पर देखिए ये पीछे का बैक पे जो है तो गले के पास इस तरह से पूरा फ्लावर बना हुआ है। तो इसको कुछ नहीं करना है, जितने लंबाई में फ्लावर बना हुआ था तो उसको हमने कट कर लिया है और इधर पर हमने ग्लू गन की सहायता से इसको चारों तरफ से फोल्ड कर दिया था, ऊपर डंडी लगाकर हैंग करने के लिए बना लिया था। तो बस देखिए इधर पर कुछ नहीं करना है फोल्ड करने के बाद। और ये भी जो लेस हमारी थी तो ये भी साड़ी में से निकली हुई थी और काफ़ी अभी रखी है इससे, ये देखिए इस तरह से हमने लेस लगा दी है। तो देखिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बिल्कुल जीरो बजट में हमने तीन वॉल हैंगिंग तैयार की, जो भी हमारे यहाँ सामान पड़ा था जैसे बेकार कुर्तियाँ पड़ी थी, कट किया हुआ कपड़ा था। तो इस तरह से देखिए कुर्ती से भी ये एक तीसरी वॉल हैंगिंग तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सी बन के तैयार हो चुकी है। इसमें आप चाहें तो इसमें भी आप टैसल लगा सकते हैं या पोम-पोम वगैरह लगा लीजिए तो काफ़ी खूबसूरत की लगेगी और ये वॉल हैंगिंग बन के काफ़ी सुंदर लगी थी। तो चलिए अब बताना आपको है कि हमारी तीनों जो वॉल हैंगिंग है वो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।